नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुनिगिरी और आज हमने देखा कि बाजार का मूड कहीं ना कहीं सुधरता दिखा। अब बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगले आधे घंटे में, क्योंकि कल भी हमने लगातार आपसे ये बात की थी कि दर्शकों के कई सारे सवाल आ रहे हैं और आज भी काफ़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो के शुरू में अब क्या करना चाहिए, तो अगले आधे घंटे में दर्शकों के तमाम सवाल लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि इन शेयरों पर जो आपके पोर्टफोलियो में है क्या करना चाहिए। आप भी इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, शेयर का नाम, कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पर आपने लिया, ये तमाम जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है तो ETN स्वदेश को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हैं। KKT लिखना है, स्पेस देना और आपको अपना सवाल भेज देना है। एक तरीका और आसान है, जो और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए। वहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। बस वहाँ अपना नाम जरूर लिखिए, कौन सा शेयर जरूर लिखिए, किस भाव पर आपने लिया है, कितने शेयर आपके पास है और नज़रिया क्या है। ये तमाम जानकारी आप भेज देंगे तो हमारे जो जानकार होंगे वो आपकी मदद कर पाएंगे आसानी से और बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और आज दो जानकार जो हमारी मदद करेंगे शो में, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे, VIP स्टॉक्स बताएंगे, वो हैं गिरीश सोडानी और किरण जानी। आप दोनों का शुक्रिया। नमस्कार, इतना स्वदेश को समय देने के लिए आप लोगों के पास आते हैं। उससे पहले फटाफट जो है समझ लेते हैं कि बाजार में हुआ क्या। आज बाजार में क्या हुआ, हमने देखा कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में कुछ खास ट्रेड नहीं हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में काफ़ी तेज दबाव था, दिग्गज सपोर्ट कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे कह सकते हैं कि दिग्गज शेयर है और वो बाजार के ऊपर खींच के ले गया। निफ्टी ने बहुत कोशिश की 46,000 के ऊपर क्लोज करने की, पर नहीं जा पाया उसके ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में वापस से खरीदारी थोड़ा बनता हुआ दिखा। हालांकि कह सकते हैं कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप शेयर में उतनी तेजी या कह सकते हैं कि इंडेक्स में उतनी मजबूती देखने को नहीं मिली। निफ्टी में आज निफ्टी की अगर बात करें तो 20,096 का इसने हाई बनाया था और 20,000 के ऊपर कम बंद होने में कामयाब हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स कह सकते हैं खासतौर पर मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखा। दो इंडेक्स ऑटो और IT को छोड़ दे, जिसमें हमने IT में कल देखा था अच्छी मजबूती थी, आज IT में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी IT के कह सकते हैं 10 शेयरों में से 8 शेयरों में आज दबाव देखने को मिला था। L&T 90 जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ी खरीदारी थी। IT और ऑटो दो ऐसे इंडेक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। इसके अलावा सभी इंडेक्स देखिए आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज का हीरो अगर जिस सेक्टर की मैं बात करूँ वो PSU बैंकिंग शेयर थे। लगातार PSU बैंकिंग शेयर की चर्चा हो रही है और 4% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। तमाम कह सकते हैं PSU बैंकिंग इंडेक्स के तमाम शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, चाहे PNB हो, IOB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI जैसे दिग्गज बैंक हो, सब में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और ये कहीं ना कहीं बाजार के मूड को थोड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखा। कुछ ऐसे स्टॉक्स आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर चला ये सेक्टर नहीं चला, क्योंकि कुछ स्टॉक्स मैं बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि पूरे सेक्टर्स में, हर सेक्टर्स में खरीदारी थी। कोल इंडिया देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, ग्रासिम देखिए दूसरे कैपिटल गुड्स कंपनी वहाँ खरीदारी देखने को मिली, टाटा कंज्यूमर देखिए कंजम्पशन स्टोरी वाली स्टोरी FMCG कंपनी वहाँ मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। टेलीकॉम में चलते हैं, भारतीय एयरटेल में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। वापस से कंजम्पशन स्टोरी को देखें, टाइटन में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। इसके अलावा OMC स्टॉक्स आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे, BPCL, HPCL, IOC तीनों में आज के ट्रेड में हमने मजबूती बनते हुए दिखा। तो हर सेक्टर में खरीदारी थी। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आज के ट्रेड में चले जिस जो सामान्य तौर पे जब गिरावट आती है तो नहीं चलते लेकिन उसमें खरीदारी थी। मेटल स्टॉक्स देखिए, सेल, हिंडालको जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। इसके अलावा रियल्टी में दो स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली, चाहे वो शोभा लिमिटेड हो या इंडाबुल्स रियल हो। तो हर सेक्टर थे जहाँ मजबूती देखने को मिली थी, खरीदारी देखने को थी। फार्मा एक और सेक्टर था जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहा था, तमाम फार्मा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी फार्मा के 20 शेयरों के इंडेक्स में 16 ऐसे शेयर थे जहाँ खरीदारी थे, 4 शेयर थे जहाँ थोड़ा दबाव देखने था। ग्लेनमार्क फार्मा, नेटको फार्मा, अरविंदो फार्मा, सब में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो ये पूरे दिन भर के कारोबार का लेखा जोखा। अब अपने जानकारों से समझते हैं कि यहां से बाजार का मूड क्या होता हुआ दिखेगा। गिरीश, आपके साथ जाना चाहूंगा, शुरुआत आपके साथ करूंगा। तो ये माने कि जो हमने कल गिरावट देखी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वो 1-2 दिनों की बात थी, धीरे धीरे अब यहां से मूड फिर से ठीक होगा या अभी भी एक रिलीफ रैली के तौर पर आज माना जाए कि थोड़ी पुलबैक देखने को मिली है? ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर आज जो हमने देखा है उस हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आ गया, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20,050 का जो एक लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग हर्डल था, वो क्रॉस होकर और क्लोजिंग हो जाएगा, तो आज वो क्लोजिंग तो दे गया। बट कहीं ना कहीं ये एक हर्डल 150 का लेवल भी देखना चाहिए,
उसके ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर यहाँ से 300 का एक लेवल है जो वो ओपन हो जाएगा, अगर हम टेक्निकल टर्म पे बात करें तो। हाँ, फंडामेंटल टर्म पे अगर हम बात करें तो मुझे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक इस लेवल से। स्टॉक टू स्टॉक ओरिएंटेशन या हम सेक्टर टू सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जैसे हमने आज आईटीओ ऑटो देखा है, क्योंकि पिछले 8 से 10 सेशन के अंदर आईटीओ ऑटो ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, बट आज ये पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें तो इसी टाइप की ही प्रॉफिट बुकिंग अगले कुछ सेशंस में चलती हुई दिखेगी हम। तो सीधे तौर पे कुछ कुछ सेक्टर्स में जो है मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। किरण, आपकी तरफ से क्या रहा है? बहुत घबराने वाली सी बात तो नहीं है, या आपको लगता है कि थोड़ा मिड कैप से स्विच करके अब थोड़ा दिग्गज शेयरों पे दाव लगाने का समय आ गया है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे आपने अभी बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमने देख चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें हम एक रैली देख सकते हैं, और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हम लेवल वाइज देखें तो भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी या तो बैंकिंग शेयर्स के अंदर हमें काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल सकता है। रीजन बीइंग, अगर आप नॉर्मल निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी मिड कैप या तो स्मॉल कैप देख लीजिए, सभी इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग शेयर्स के अंदर आने वाले समय में अच्छा खासा एक अपसाइड हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट बाय कॉल है, अगर कोई भी डिप आता है तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 45,500 का एग्रेसिव एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप अगली एक्सपायरी तक 46,500 तक के ट्रेड्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब काफी बुलिश है, करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी। तो किरण को लगता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। फटाफट अंदाज में जो है दर्शकों के तमाम सवाल के जवाब लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल आए हैं। और पहला सवाल भावेश जी का हरियाणा से है, ये जुपिटर वैगन्स के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास 1100 शेयर है, 1111 शेयर है, बड़ा उन्होंने तरीके से लिया है याद करने के लिए, 355 रुपये के भाव पर लिया है। जुपिटर वैगन्स को लेकर ग्रीस क्या राय होगी? इस शेयर की चाल देखिए, हमेशा सर्किट से सर्किट चलता था, अब वापस से लोअर सर्किट पर गिरता हुआ जा रहा है। बेसिकली ये पर्टिकुलरली आप सही बोल रहे हैं कि ये स्टॉक हमेशा वेरिएंट टू वेरिएंट पर ही मूव करता है, एंड जिस तरीके का मोमेंटम रहता है हम इस टाइप के स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स के अंदर कहीं पे भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अपनी पोजिशंस को एक बार की तो बाहर कर लें, क्योंकि जिस टाइप के बाजार में हम बैठे हुए हैं उस टाइप के बाजार में इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना शायद थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो बेटरली कोई और दूसरे स्टॉक के अंदर मूव कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर आपके लिए रहते हुए भावेश जी के शेयर से स्विच कर जाइए। आप स्विच करेंगे तो क्या कर देंगे? आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में मैं गिरीश जी से जरूर पूछूंगा, किरण जी से, कि कौन से उनके जो है VIP स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं, या जहाँ पे आप निवेश करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न 6 से 8 महीने में या 12 महीने में देखने को मिल सकता है। अगला जो सवाल यतिंद्र जी का है, आरती ड्रग्स पे पूछना चाह रहे हैं, 2300 CN के पोर्टफोलियो में 790 रुपये के भाव पे। किरण, क्या राय होगी आरती ड्रग्स को लेकर आपकी? अगर हम चार्ट चेक करें तो जिस तरह से अपने डेली प्राइस के ऊपर एक अपमूव देखा है, ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। रिसेंट जो कल गिरावट आई थी वो कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। 597 के आसपास का ट्रेडिंग अभी सेटलमेंट है, तो मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग बने रहना चाहिए, या कोई भी दर्शक जो भी हमें देख रहे 18 आवर्स संदेश के ऊपर अगर उनको भी लॉन्ग लेनी है पोजीशन तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 570 का स्टॉप लॉस, 570 का स्टॉप लॉस यानी कि हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और जिस तरह की ओवरऑल चार्ट है डेफिनेटली आप 630-640 तक के टारगेट आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 570 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। जी, शेयर को होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके खरीद भाव साला के शेयर नीचे है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। राज अरोड़ा का सवाल है दिल्ली से, फाइन ऑर्गेनिक्स पर उन्होंने सवाल पूछा है, 60 शेयर के पोर्टफोलियो में 6,106 रुपये के भाव पे। ये लगता है कि पिछले साल जब अक्टूबर के आसपास ये शेयर इस लेवल पर पहुँचा था तब खरीदा था उन्होंने, तब से लगातार होल्ड कर रहे हैं, और चूंकि बाजार में गिरावट है तो थोड़ा सा उनको लगा कि क्या करना चाहिए, पैनिक होते हुए दिखे हैं। सीधे तौर पर बताइए गिरीश, ये चूंकि लगातार हम देख रहे हैं करीब 8-7-8 महीने से तो होल्ड कर रहे हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स पे आपकी क्या राय होगी? नहीं, फाइन ऑर्गेनिक्स में होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग्स ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हुए हैं अभी, एंड जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो 2 क्वार्टर्स में भी बेटर रिजल्ट्स दिए हैं कंपनी ने, तो यहाँ से होल्ड करके रखें। इनको टाइमली होल्ड तो लंबा टाइम के लिए करना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल का और होल्डिंग टाइम रहेगा, बट यहाँ से अभी एवरेजिंग की सलाह नहीं है। एवरेजिंग मुझे जो लगता है वो 4,400 के नीचे अगर लेवल कहीं पे भी दिखाई देता है, जो चांसेस थोड़े कम है, तो उस टाइम पे एवरेज कर लें, बाकी इस टाइम पे तो होल्ड रहने दें। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए आपके लिए राज जी के, आप शेयर को होल्ड करके चलिए, 4,000 के आसपास आता है। हालांकि गिरीश मानते हैं कि वहाँ तक आने की संभावना कम है, लेकिन आता है तो वहाँ थोड़ा एवरेज भी करके चल सकते हैं, बस आपको नज़रिया 1 साल का रखना होगा शेयर में। जो अगला यूट्यूब पे सवाल दर्शक ने पूछा है, राकेश जी का सवाल है, मुंबई से यूनियन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, सरकारी बैंक 460 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, 89 रुपये 29 पैसे के भाव पे। क्या करना है किरण यूनियन बैंक पे?
यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह के चार्ट पैटर्न से मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। यहाँ पे भी हमने जैसे ओपनिंग कमेंट्स में भी हमने बताया कि बैंक निफ्टी या तो बैंकिंग शेयर्स में लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। सो यूनियन बैंक अभी करंट मार्केट प्राइस 91 के आसपास का है। जिस तरह से उसका ओवरऑल सेटअप है 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक आ रहा है और नीचे में 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। सो 85 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, 1 से 2 महीने का नजरिया रखिए। तो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप 120 तक के टारगेट यूनियन बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यूनियन बैंक लॉन्ग करना चाहिए 85 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आप 85-85 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। जो अगला सवाल है अदानी पावर पर पूछा है अक्षय ने, पंजाब से पूछा अदानी पावर पे 70 शेयर के पोर्टफोलियो में 306 रुपये के भाव पे इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। गिरीश, अदानी पावर पे क्या राय होगी आपकी? ठीक है, अदानी पावर पे जहाँ तक कि क्योंकि हम पावर सेक्टर्स के अंदर काफी डेवलपमेंट भी देख रहे हैं एंड ये कंपनी इसके अंदर एक नया डेवलपमेंट ये आ रहा है क्योंकि रिसेंटली फंड रेजिंग भी हुए हैं, तो उस फंड रेजिंग को आगे जाके एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइजेशन होना ही है। ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं इन प्रोजेक्ट के लेकर, तो कहीं पे भी मुझे जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 330 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे अगर रखते हैं तो मुनाफा अच्छा रहेगा। 330 का स्टॉप लॉस रखें अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए और 440 से लेकर 475 तक का एक लेवल रखें टारगेट्स के तौर पर। उसी तौर पे ये रहा आते हुए अदानी पावर पे। अगला जो सवाल है मुकेश सिंह का सिलवासा से, यस बैंक पे जानना चाहते हैं 3000 शेयर के पोर्टफोलियो में 18 रुपये 15 पैसे के भाव पे क्या राय होगी यस बैंक को लेके। जनरली जब क्या होता है कि बाजार का मूड खराब होता है तो इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिलता है, इसलिए लग रहा है कि मुकेश जी थोड़े से उनको चिंता हो रही है। उन्होंने आज जो है यूट्यूब पर सवाल पूछा कि उन्होंने कहा है कि मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्या राय होगी यस बैंक पे? सो ओवरऑल यस बैंक की अगर हम बात करें तो अगर डेली चार्ट देखे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट और साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट हुई एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। और जैसे आपने बहुत राइटली बोला है कि जब भी मार्केट में थोड़ा भी दबाव आएगा तो ऐसे जो छोटे मोटे शेयर है उसमें काफी दबाव देखते हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से एक बार उनको 16 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेके यस बैंक को होल्ड रखना चाहिए और थोड़ा लंबा नजरिया रखिए। अगर आप 1 से 2 महीना होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इसमें 22 से 25 रुपए की रेंज देख सकते हैं, तो 16 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस और ऊपर में 22 रुपए का टारगेट के लिए होल्ड रख सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है आपके लिए, ये रायते हुए 22 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। निरंजन सिंह का सवाल है बिहार से, रेलटेल के बारे में जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि रेलटेल के पोर्टफोलियो में 800 शेयर है 229 रुपये के भाव पे। ग्रीस, थोड़ा इसमें अच्छे से राय दीजिए क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है और रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। आपको लगता है कि रेलटेल में इनका 229 का भाव वापस इनको मिल जाएगा, मजबूती देखने को मिल सकती है? 250 से 2 दिनों में शेयर जो है करेक्ट होकर 229 के आसपास आ गया है। देखिए, रेलवे में हमने जो तेजी देखी है वो भी एक तरफा ही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आ ही सकती है। बट रेलटेल के अंदर जो मेरा सजेशन है वो यही है कि ये यहाँ पे 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड जो मेरा लेवल है वो 245 से लेकर 255 तक का है अगले 1 से 1.25 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। रेलवे की फाइनली न्यूजेज अभी अपडेट्स कंप्लीट नहीं हुई है, आगे बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी बचे हुए हैं, तो अभी उस चीज के लिए होल्ड करके रखें बट 210 का स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें। 210 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ निरंजन जी आप शेयर को होल्ड करके चलिए, यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, घबराने की बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। विजय कुमार जी का सवाल है कोलकाता पे, IRFC के बारे में जानना चाहते हैं, इस शेयर के बारे में राय बताइए। खासतौर पे किरण, ये एक ऐसा शेयर जिसमें बहुत रिटेल निवेशकों ने पूछा है और जैसा कि मैंने कहा कि जब बाजार में कल गिरावट आई तो तमाम रेलवे स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में, IRFC पे क्या राय होगी आपकी? सो IRFC की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक जो ब्रेकआउट लेवल है वो 37-38 का था, वहां से स्टॉक ने जिस तरह के हाईस बनाए ऊपर में 91 तक के हाई बनाए, सिमिलर रैली हमने RBNL में भी देखी थी और RBNL में भी जब 100 रुपीज के आसपास स्टॉक आया था तो उसके बाद एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, तो चांसेस है कि IRFC भी अभी एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। जिस तरह की इसके सपोर्ट है 70 का सपोर्ट काफी अहम सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी गिरावट या तो थोड़ा बहुत इसको गिरावट तो नहीं कहेंगे डेफिनेटली, प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कह सकते हैं क्योंकि एक अच्छा खासा नीचे के लेवल से आ चुका है, तो 70 के आसपास तक का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो मेरे हिसाब से उनको 70 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग कीजिए, 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है मंथली या तो वीकली उसके हिसाब से 100 रुपए प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, तो 70 का स्टॉप लॉस कोई भी गिरावट आए आप बाय कर सकते हैं, ऊपर में 100 से प्लस का टारगेट आप देख सकते हैं लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। तो IRFC में अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना 70 के आसपास, अगर नीचे आते हैं तो थोड़ी खरीदारी भी करके चल सकते हैं, अगर नज़रिया 3 से 4 महीने का रखते हैं तो 100 रुपये का लक्ष्य भी देखने को मिल सकता है।
सीधे तौर पे किरण को लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। नजरिया थोड़ा आपको 4-5 महीने का, 3 से 4 महीने का रखना पड़ेगा। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, कुछ स्टॉक्स में हमारे जानकारों ने कहा कि आप उससे निकल जाइए, तो निकल जाइए तो खरीदिए क्या। बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। और VIP स्टॉक्स के लिए सबसे पहले चलते हैं ग्रीस के पास। ग्रीस, आज हमने देखा कि सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी है, और मुझे याद है कि आप अक्सर सरकारी बैंकों की बातें करते हैं कि हाँ इसमें खरीदारी कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। क्या कोई सरकारी बैंक आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पे? मुझे ये बात सही है कि मुझे सरकारी बैंक के काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बुक्स वाइज अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने जो VIP शेयर चुना है वो भी SBI है। यहाँ से मुझे 700 का एक लक्ष्य दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ऑलरेडी अगर हम लास्ट के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करें एंड ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, 14 से 15% का ग्रोथ हर सेगमेंट्स में दिया है। लोन बुक के अंदर 22% का ग्रोथ है, एंड जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है उसमें भी 18 से 22% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरली दी हुई है। ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो नए वर्टिकल्स भी आ रहे हैं, जो इनके मिनी ब्रांचेस कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में अगर हम SBI सिक्योरिटीज के लेकर लेवल्स को लेके बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा बहुत स्ट्रांग है। तो 700 का यहाँ से लक्ष्य दिखाई देता है मुझे अगले 6 महीने के टाइम पे। तो 6 महीने के लिहाज से दिग्गज सरकारी बैंक SBI को खरीदने की सलाह, 700 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब आपकी तरफ से किरण कौन से स्टॉक्स होंगे? क्या फार्मा में कोई पसंद आ रहा है या आपको भी कोई बैंक शेयर पसंद आ रहा है? ओवरऑल हमारी तरफ से 2 पिक है, दोनों बाई तरफ है, एक फार्मा के अंदर से है और दूसरा AMC काउंटर है। पहले सिंजिन इंटरनेशनल की हम बात कर ले फार्मा के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक क्लियर कट राइजिंग हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे थे कि डोजी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही थी। कल में हमने देखा था कि मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंजिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होल्ड था। आज सुबह गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी है, कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड हम बाई की सलाह दे रहे हैं। 835 के आसपास की क्लोजिंग थी, 860 का हमारा टारगेट रहेगा और 822 एज अ स्टॉप लॉस हम सिंजिन इंटरनेशनल में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो है HDFC AMC। HDFC AMC में भी हम देख रहे हैं कि लंबे समय से ऑलमोस्ट जुलाई महीने से लेके कल तक, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने के तक, जो HDFC AMC है वो ऊपर में 2570 और नीचे में कहीं ना कहीं 2400, ये 150 रुपए की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। हमने देखा कि फ्राइडे के 17 में वहां से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद कल और आज दोनों दिन जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था वहां पे रीटेस्टिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला स्टॉक है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया हुआ है। सो HDFC AMC भी हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। 2620 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 2650 के टारगेट के लिए और एज अ स्टॉप लॉस हम 2600 मेंटेन करेंगे। तो HDFC AMC खरीदारी करने के सलाह 2650 का लक्ष्य होगा, 2590 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। दूसरा शेयर जो है सिंजिन खरीदारी करने की सलाह होगी, 860 रुपये का टारगेट होगा, 820 रुपये का इसमें स्टॉपस लगाना। फार्मा स्टॉक्स में हमने अच्छी मजबूती देखी है और ग्रीस को जो है SBI पसंद है, 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से 700 रुपये का लक्ष्य होगा। फटाफट सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते कुछ और सवाल लेते हैं। पीयूष जी का सवाल है झारखंड से, सुजलॉन के 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 35 रुपये के भाव पे। ग्रीस, इस शेयर में इस साल की तेजी देखिए, 7 रुपये का शेयर जो है 27-28 के आसपास पहुंच गया। अब जब गिरना शुरू हुआ है तो कह सकते हैं इसी रफ्तार से नीचे की तरफ गिर रहा है, 27 से घट के 22 के आसपास आ चुका है। क्या राय होगी सुजलॉन पे? अगर है किसी के पास मुनाफा हो रहा है तो एक बार के लिए बुक कर ले, और वापस इनको क्या 35 का भाव मिलेगा? देखिए 35 के भाव के लिए थोड़ा सा इंतजार लंबा करना पड़ जाएगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरीके ग्रीस, के मैं इसमें एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, अगर लंबा इंतजार करना है तो इनको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, इस निकल के कोई और स्टॉक में स्विच कर दे भी बता सकते, क्योंकि इनका 35 का भाव आते हुए मतलब मुझे लगता है कि काफी लंबा समय लग जाएगा। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम लोग देने की कोशिश करेंगे वो 1900 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें अपने पोजीशंस को लेके, एंड इसमें होल्ड रहने दें, क्योंकि कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली रीस्ट्रक्चरिंग काफी अच्छे तरीके से मूवमेंट्स में लेके आई है, रिसेंटली फंड रेज भी करे हैं, एंड जो नए ऑर्डर साइकिल्स हैं उसमें भी काफी डेवलपमेंट आया है। तो 1900 रुपए का स्टॉप लॉस से एक होल्ड कर सकते हैं इस पोजिशंस को। देखिए 35 रुपए के लिए तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट हाँ 1900 रुपए के स्टॉप लॉस में एक रेंज जरूर मिल जाएगी जहां पे इनको जो नुकसान हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस सेंस में रखें।
तो पीयूष जी, आपके लिए सलाह ये है कि आप 19 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहते हैं तो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन 35 रुपये का लक्ष्य आने में आपको समय लगेगा। हमने देखा भी है कि शेयर जो है 35 रुपये के भाव पे करीब 2015-16 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो आपने एक लंबा इंतजार किया। इस दौरान हमने कई सारे शेयरों में देखा कि बड़ी रैली देखने को लिए, तो फैसला आपको करना है। ग्रीस ने आपको एक स्टॉप लॉस बता दिया है। जो अगला शेयर होगा जिसमें कि खरीदारी जानकार हम सवाल पूछना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक है नितिन गज्जर जी का सवाल है, बिनानी इंडस्ट्रीज़ पे 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 21 रुपये 30 पैसे के भाव पे। अब समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने शेयर लिया क्यों, क्योंकि ये शेयर देखिए लगातार लोअर सर्किट पे चल रहा, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। किरण जी, कुछ है संभावना शेयर के चलने की? कौन सा स्टॉक कह रहे सर? बिनानी इंडस्ट्रीज। अभी ये 15 रुपये 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिनानी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो सर्किट टू सर्किट स्टॉक चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम इतना कुछ खास है नहीं, तो सलाह तो यही रहेगी कि मेरे हिसाब से एक बार इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर उनको यही प्राइस के अंदर शेयर चाहिए तो अभी अभी हमने यस बैंक को डिस्कस किया था, तो मेरे हिसाब से उनको यस बैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सलाह तो यही रहेगी कि बिनानी इंडस्ट्री में से एक बार एग्जिट कर लीजिए। तो ये रहा आते हुए नितिन जी आपके लिए, बिनानी इंडस्ट्री से निकल के यस बैंक में आप स्विच कर जाइए। नुकसान आपका हो सकता है आने वाले और बढ़ता हुआ दिखे। हमने देखा है कि लगातार 3 महीने में देखे शेयर में करीब 18% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, जब तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो कल की तैयारी में आज के लिए इतना है। ग्रीस, किरण, आपका शुक्रिया इटिनो स्वदेश को समय देने के लिए और आज फटाफट अंदाज में तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज हमने देखा कि बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, दिग्गजों ने कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आके बाजार को संभाला और कह सकते हैं बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश की। कल वीकली एक्सपायरी है, अब देखना है कि वीकली एक्सपायरी खासतौर पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, देखना है कि वीकली एक्सपायरी के दिन क्या होता है। लेकिन कल की तैयारी में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।